और जली रांची से सीपी सिंह जो इस बार के प्रत्याशी, उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया है और वे बाहर निकले हैं। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, रांची समाहरणालय की तस्वीर वापस एक बार आपको दिखाते हैं। सीपी सिंह इस बार वापस से मैदान में हैं। पार्टी ने इन पर वापस से भरोसा जरूर जताया है कि इस बार सीपी सिंह क्या वही जीत वापस से दोहरा पाएंगे। गढ़ माना गया है रांची विधानसभा सीट और बीजेपी के लिए इसलिए गढ़ क्योंकि सीपी सिंह यहां से लगातार चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। संयोग आप देखिए, एक साथ जेएमएम प्रत्याशी महुआ मांझी और सीपी सिंह नजर आए नामांकन के दौर में। सुष्मिता देखिए, सीपी सिंह जन सैलाब के साथ यहाँ पर पहुंचे थे और विधायक सीपी सिंह यहाँ उपस्थित हैं। नामांकन दाखिल कर लिया है सर आपने, बहुत बधाई आपको। देखिए देखिए, मैंने नामांकन दाखिल किया है और कल दो नामांकन और कल मैं दाखिल करूंगा। तो यह नामांकन एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हों कि राष्ट्रपति हों, सांसद हों कि विधायक हों, सबको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लोकतंत्र की यही तो खुशबू है। नामांकन का दिन बहुत ही खास होता है सर प्रत्याशी के लिए। हाँ बिल्कुल खास होता है, बिल्कुल खास होता है, मैं भी उसमें से एक हूँ। बधाई हो भैया, धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति थी। नहीं, अभी मैं नामांकन करने के लिए आया हूँ। मुद्दे होंगे रोटी बेटी और माटी का। सर, इस बार आपका सीधा मुकाबला महुआ मांझी से जीते हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये तो आप बोल रहे हैं, मेरा मुकाबला किससे है आप पहले से कैसे जान गए, इसलिए किससे मुकाबला होगा? भाई चुनाव है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जनता जिसको सहयोग समर्थन आशीर्वाद देगी वो विजयी होगा, ये तो स्पष्ट है, इसमें किंतु परंतु की बात कहाँ है। संबोधन में कई सारी बातें आपने कही सर, बड़े भावुक भी दिख रहे थे। वो मैं था, वो क्षण बीत गया, अब तो मैं नामांकन कर दिया। कार्यकर्ता हमारे हजारों की संख्या में पानी में भींग करके और साथ दे रहे थे, आगे भी देंगे। तो मैं यही कहूंगा कि हर समय अलग अलग क्षण होते हैं, तो हर क्षण की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। चलिए सुष्मिता, ये इन्हें विश्वास है कि सातवीं बार ये जीत करके आएंगे और ये सीपी सिंह की उपस्थिति और ये बिल्कुल उसी तस्वीरें हमने देखी और सीपी सिंह के बयानों को भी हमने सुना। बीजेपी रोटी बेटी माटी के इसी मुद्दे के साथ और इन्हीं की सुरक्षा के साथ आगे बढ़ेगी विधानसभा चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम तस्वीरें रांची समाहरणालय से आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि इस वक्त वहां पर महुआ मांझी की भी मौजूदगी है, जीतू जनन राम भी इस पर वहां पर मौजूद है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे। वक्त फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।